Hi everyone, welcome back to Geek's Idea, a channel of learning and imparting knowledge. This is the series on United Nations Organization. आज हम डिस्कस करेंगे सिक्स प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ UNO. पिछले लेक्चर में हमने हिस्ट्री ऑफ UNO देखा था, फिर हमने देखा था कि जो स्ट्रक्चर ऑफ UNO है वो क्या है. आज हम उसी स्ट्रक्चर को आगे बढ़ाते हुए सिक्स प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ UNO देखेंगे. जैसे कि पिछली बार में हमने देखा था कि ये UNO है, इसके सिक्स प्रिंसिपल ऑर्गन्स कौन से, सेक्रेटेरिएट, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोसॉक या जिसको सोशो इकोनॉमिक काउंसिल भी बोला जाता है, ट्रस्टीशिप काउंसिल और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. ये इसके मेन सिक्स ऑर्गन्स है, किसके, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस को. इन्हीं को हमें एक एक करके डिस्कस करना है. और इसके कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्पेशलाइज्ड एजेंसीज है, जैसे कि यूनेस्को, यूनिसेफ, WHO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, IMF, IBRD यानी कि वर्ल्ड बैंक, इनको भी हमें डिस्कस करना है. आज हम फिलहाल सिक्स ऑर्गन्स को डिस्कस करेंगे. तो आइए फिर देखते हैं, एक एक करके अच्छे से इनको समझते हैं. तो स्टार्ट करने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ को जितना हो सके लाइक और शेयर कीजिए. तो आइए फिर देखते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, मेन फैक्ट जो है UNO से रिलेटेड, उसकी बात हम करेंगे. जैसे कि पिछली बार भी हमने हिस्ट्री में पढ़ा था कि किस तरह से यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन बन गया, पहले लीग ऑफ नेशन वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद बन गया, उसके बाद किस तरह से जब वर्ल्ड वार सेकंड हो गया, फिर देखा गया कि लीग ऑफ नेशन फेल हो गया, दुनिया में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो गई, अब किस तरह से वर्ल्ड में पीस एंड जस्टिस रखा जाए, तो उसके लिए क्या बनाया गया, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन. तो ये कब बनाया गया, 24 अक्टूबर 1945 जून में साइन किया गया था इसका चार्टर, और 24 अक्टूबर को UNO डे भी मनाया जाता, और इसी टाइम पे UNO रेटिफाई हो गया, यानी कि UNO बन गया 24 अक्टूबर 1945. वेरी इंपॉर्टेंट डेट. द चार्टर ऑफ UNO वॉज साइंड ऑन 26 जून. चार्टर कब साइन किया गया था, 26 जून. तो ये डेट्स आपको याद रखने हैं. और फिर कब बन गई UNO, 24 अक्टूबर. ये दो डेट्स आपको याद रखनी है. ये जो चार्टर साइन किया था, ये पहले कितने नेशंस ने साइन किया था, 50 नेशंस ने, लेकिन फिर पोलैंड ने भी साइन किया और चार्टर एंड बिकम द 51st फाउंडर मेंबर. तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा पहले कितने नेशंस ने साइन किया था, 50 नेशंस ने. लेटर किसने ज्वाइन किया, पोलैंड ने. और फाउंडिंग मेंबर्स अगर पूछा जाएगा, यानी कि UNO के फाउंडिंग मेंबर्स कितने बन गए, UNO के फाउंडर मेंबर्स में पोलैंड भी आएगा, यानी कि 51 कंट्रीज इसके फाउंडिंग मेंबर्स बन गए जब पोलैंड ने साइन किया. एट प्रेजेंट कितने मेंबर्स है इसके, 193. तो लेटेस्ट कौन सी कंट्री थी जो इसमें जुड़ गई, सूडान इज द लेटेस्ट मेंबर. प्रियम्बल टू द चार्टर वाज द वर्क ऑफ फील्ड मार्शल स्मट्स. ये जो UNO का चार्टर था वो किसका काम था, वो किसने एक्चुअली लाया, वो उस पर किसने काम किया था, फील्ड मार्शल स्मट्स था जिसने प्रियम्बल टू द चार्टर जो था, इसका जो चार्टर था उसका जो प्रियम्बल, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का भी एक प्रियम्बल है, इस चार्टर का प्रियम्बल किसका काम था, फील्ड मार्शल स्मट्स का. अब हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिचुएटेड इन न्यूयॉर्क, ये सबको ऑलमोस्ट पता होना चाहिए. जॉन डी रॉकफेलर हैड डोनेटेड 17 एकर्स ऑफ लैंड इन मैनहट्टन आइलैंड ऑन विच 39 स्टोरी सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग ऑफ द यूनाइटेड नेशन हैज बीन कंस्ट्रक्टेड. तो जहाँ पे यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर है, जहाँ पे वो बिल्डिंग बनाई गई, उसकी कितनी स्टोरीज है, 39 स्टोरीज. उसके लिए लैंड कितनी दी गई थी, 17 एकर्स ऑफ लैंड दी गई थी मैनहट्टन आइलैंड में. वो किसकी लैंड थी, जॉन डी रॉकफेलर. ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो जनरल असेंबली की पहली मीटिंग, ये जनरल असेंबली है यूनाइटेड नेशन नहीं, जनरल असेंबली की पहली मीटिंग कब हो गई, 1952 में, क्योंकि उसी टाइम पे बिल्डिंग इसका बनाई गई थी. ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनी है इसकी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, JKSSB ने पूछा है. इंग्लिश, फ्रेंच, चाइनीज, रशियन, अरबिक, स्पेनिश. अरबिक आपको याद रखनी है, तो कभी ऐसा लग सकता है कि अरबिक शायद नहीं है, अरबिक और स्पेनिश आपको याद रखनी है. बाकी क्यों याद नहीं रखनी है,
आप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के यानी कि जिनके पास वीटो है वो ऑलमोस्ट हर किसी को पता होगा वीटो किस किस के पास है। इंग्लैंड के पास है, फ्रांस के पास है, चाइना, रशिया, ये तो वीटो कंट्रीज़ है। ये सारी यूएसए के पास भी वीटो है, तो यहाँ पे भी इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज है, यूके में भी ऑफिशियल लैंग्वेज। रशियन तो पता ही होगा, चाइनीज़ चाइना के पास वीटो पर, फ्रांस तो पता ही होगा। अब रहेगी दो यानी कि स्पेनिश एंड अरेबिक, ये आपको याद रखनी है। वर्किंग लैंग्वेज कौन सी है यानी कि काम, ये तो ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, लेकिन एक्चुअल में जो काम होता है वो किन दो लैंग्वेजेस में होता है, इंग्लिश एंड फ्रेंच ओनली। सेक्रेटरी जनरल कौन है इस्टम यूनाइटेड नेशंस का, एंटोनियो गुटेरेस, जो कि 9th सेक्रेटरी जनरल है, वो कहाँ का है, पोर्चुगल का। डिप्टी सेक्रेटरी जनरल कौन है, अमीना मोहम्मद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है वुमेन से रिलेटेड, जैसे कि पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में भी यूरोपियन यूनियन से ही पूछा गया था वुमेन से रिलेटेड, तो यहाँ पे डिप्टी सेक्रेटरी जनरल कौन है, अमीना मोहम्मद, जो कि नाइजीरिया की है। ये थी कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। अब बात करते हैं इसके मंत्रालय की यानी कि सेक्रेटेरिएट की, हर किसी ऑर्गेनाइजेशन का सेक्रेटेरिएट होता है तो पहले सेक्रेटेरिएट की बात करते हैं, जिसका क्या काम है, सेटिंग द एजेंडा, यानी कि क्या काम करना है, कैसे करना है, तो उसका काम कौन कर सेट करता है, सेक्रेटेरिएट। फॉर द डेलिबरेटिव एंड डिसीजन मेकिंग बॉडीज ऑफ यूएन, जो यूएन की डिसीजन मेकिंग बॉडीज़ है वो कौन कौन सी है, जनरल असेंबली है, इकोसॉक है, यहाँ पे भी डिसीजंस लिए जाते हैं क्या करना है, सिक्योरिटी काउंसिल है, ये भी डिसीजंस लेते हैं, किससे रिलेटेड वो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये है डिसीजन मेकिंग बॉडीज़ ऑफ किसके, यूनाइटेड नेशन। तो इनका जो एजेंडा, काम कैसे करना है, कब कैसे क्या करना है, वो कहाँ पे सेट किया जाता है, सेक्रेटेरिएट में। एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजंस ऑफ दिस बॉडीज़, और ये जो डिसीजंस लेंगे, जनरल असेंबली जो फैसला लेगी, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो फैसला लेगी, या कोई प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे, तो उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए इसी सेक्रेटेरिएट का काम दिया जाता है। इस सेक्रेटेरिएट का हेड होता है, इस सेक्रेटेरिएट का हेड होता है जिसको सेक्रेटरी जनरल बोला जाता है, हु इज़ अपॉइंटेड बाई द जनरल असेंबली। उसको कौन चुनता है, उस सेक्रेटरी जनरल को तो चुनना है, वो कहाँ पे चुना जाता है, जनरल असेंबली में उसको चुना जाता है। प्रेजेंट टाइम पे कौन है, अभी हमने पढ़ा, एंटोनियो गुटेरेस 9th सेक्रेटरी जनरल है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी, सॉरी यूनाइटेड नेशंस का। पहला कौन था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहला भी पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, तो पहला सेक्रेटरी जनरल कौन था, ट्रिग्वे ली। लेकिन जब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बन गया, उसके बाद इस ट्रिग्वे ली के लिए इलेक्शंस करने थे, जब इलेक्शंस, क्योंकि ऐसे तो नहीं चुना जाता, तो उस इलेक्शन से पहले यहाँ पे कौन बैठा था, ग्लैडविन जेब, जो जिसने सर्व किया एज एक्टिंग सेक्रेटरी जनरल, जिसने सर्व किया एज एक्टिंग, जब कोई फॉर एग्जांपल अगर किसी प्रेसिडेंट, किसी कंट्री का प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है, तो वहाँ पे एक्टिंग प्रेसिडेंट आ जाता है जब तक दूसरे प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शंस किए जाएंगे। इसी तरह इस पहले सेक्रेटरी जनरल के लिए इलेक्शंस करने थे, तो तब तक यहाँ पे एक्टिंग सेक्रेटरी जनरल होना चाहिए था, वो कौन था, वो था ग्लैडविन जेब, जो कि यूके का रहने वाला था। ये ट्रिग्वे ली कहाँ का था, ट्रिग्वे ली था नॉर्वे का, कहाँ का, नॉर्वे। ये एंटोनियो गुटेरेस जो कि इस टाइम पे है, ये 9th है, कौन सा, 9th यूनाइटेड सेक्रेटरी जनरल, ये कहाँ का है, ये है पोर्चुगल का, ये कहाँ का है, पोर्चुगल का। इसी तरह अगर आपको ये पता करना होगा कि एंटोनियो गुटेरेस से पहले कौन था, वो था बन की मून, कौन था, बन की मून, इसने दो बार टर्म यहाँ पे ले ली, जो कि 2007 से लेके 2016 तक ये थी। बन की मून से पहले कौन था, जो कि इम्पोर्टेंट नेम है, कोफी अन्नान, ये कब से कब था, 1997 से लेके 2006 तक कोफी अन्नान था। कोफी अन्नान कहाँ का था, गाना, यानी कि ये अफ्रीका रीजन को, क्योंकि यूनाइटेड नेशन में बहुत सारे रीजन्स को, वर्ल्ड को रीजन्स में डिवाइड किया गया, तो कोफी अन्नान गाना से था, तो ये अफ्रीकन रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा था। बन की मून ये कहाँ का था, साउथ कोरिया को, तो इसने एशिया पैसिफिक को रिप्रेजेंट किया, एशिया पैसिफिक ये रिप्रेजेंट कर रहा था। इसी तरह ये एंटोनियो गुटेरेस जो पोर्चुगल का है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा,
वेस्टर्न यूरोप, क्योंकि यूरोप की कंट्री वेस्टर्न यूरोप एंड अदर्स को ही रिप्रेजेंट, यानी कि उस रीजन से बिलोंग करता है। अब हम बात करेंगे एशिया का क्या पहला कोई सेक्रेटरी जनरल बना है, वो पहला कौन था, क्योंकि एशिया की बात चल रही है, इंडिया एशियन कॉन्टिनेंट में आता तो उसकी भी बात करेंगे। यूथैंट, यूथैंट कहाँ का था, ये था बर्मा का, ये था बर्मा का। तो इस ये था पहला एशियन सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस जिसने एशिया पैसिफिक को रिप्रेजेंट कर रहा था, यानी कि एशियन पैसिफिक को रिप्रेजेंट कर रहा था। ये था थर्ड सेक्रेटरी जनरल, कौन सा, थर्ड सेक्रेटरी जनरल। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी जनरल से रिलेटेड। अभी तक कोई भी वुमेन सेक्रेटरी जनरल नहीं बनी है। ये बिल्डिंग आपको मिल जाएगी, ये है सेक्रेटेरिएट। अब करते हैं बात जनरल असेंबली की। इट इज़ द मेन डेलिब्रेटिव पॉलिसी मेकिंग एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन ऑफ द यूएनओ। ये कि पॉलिसी मेकिंग, जहाँ पे पॉलिसीज बनाई जाती है, ये मेन ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस है। हर साल सितंबर में 193 मेंबर कंट्रीज मिल जाती है, यानी कि जिसको जनरल असेंबली बोला जाता है, जो कि 2020 में आपने सुना होगा कि 75th सेशन होगा किसका, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का। उसमें वो मीटिंग कहाँ पे होती है, जनरल असेंबली हॉल इन न्यूयॉर्क। जो ये सिक्स मेन ऑर्गन्स हैं जो हमने बात की, ये इनमें से पांच और ऑर्गन्स वो है जिनका, जिनकी सीट कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में। कहाँ पे, न्यूयॉर्क में। सिर्फ एक ऑर्गन है जिसकी न्यूयॉर्क में सीट नहीं है, सिक्स मेन ऑर्गन्स की बात कर रहा हूँ मैं, यानी कि जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इकोसॉक, ये जो है इन सब की सीट, यानी कि जहाँ मीटिंग वीटिंग होती है वो कहाँ पे होती है, न्यूयॉर्क में। और एक ऑर्गन है जिसका न्यूयॉर्क में नहीं है, वो कौन है वो फिलहाल कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए। डिसीजन ऑन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लाइक पीस एंड सिक्योरिटी पे अगर बात करनी होगी, उससे रिलेटेड डिसीजन लेना होगा, तो यहाँ पे उससे रिलेटेड डिसीजन लिए जाते हैं, जिसके लिए जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए कौन सी मेजॉरिटी चाहिए होगी, टू थर्ड मेजॉरिटी। अगर कोई सिंपल मसला होगा तो उसके लिए सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होगी। जनरल असेंबली का होता है प्रेसिडेंट, जो कि है वोल्कन बोज़गीर, वोल्कन बोज़गीर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये होती है जनरल असेंबली, जब बैठते हैं यहाँ पे स्पीच फिर देते हैं प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट वगैरह। अब करते हैं बात सिक्योरिटी काउंसिल की, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। इट हैज़ प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर द यूएन चार्टर। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, जो एक्चुअल मकसद था यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का, वो क्या था, वो था पीस। तो उसी पीस का काम किसको दिया गया, सिक्योरिटी काउंसिल का। इसको मेंटेन करना है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इसके 15 मेंबर्स है, कितने मेंबर्स, 15 मेंबर्स। और इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पे, यानी कि इसकी सीट कहाँ है, न्यूयॉर्क सिटी में। पांच इसके परमानेंट मेंबर्स है और 10 इसके नॉन परमानेंट मेंबर्स है। हर किसी को ये बात पता होगी, पांच मेंबर्स कौन है, जिनको हम बोला जाता है जिनके पास वीटो पावर है। वीटो पावर मतलब क्या, अगर कोई डिसीजन लेना होगा, अगर इन पांच कंट्रीज में से किसी ने भी ना किया तो वो फैसला नहीं माना जाएगा, उसी को वीटो पावर बोला जाता है। फॉर एग्जांपल, इंडिया चाहता है मैं परमानेंट मेंबर बन जाऊं, लेकिन चाइना इसको वीटो करता है, चाइना बोलता है कि नहीं, तो चाइना ने ना बोली, यानी कि एक ही कंट्री ने ना बोली, तो इंडिया को नहीं आने देंगे। तो ये है वीटो पावर। तो कौन सी परमानेंट मेंबर्स है, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूएसए, यूके। इस टाइम पे जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स है वो कौन कौन सी है, एस्टोनिया, इंडिया, आयरलैंड, कीनिया, ये याद रखना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ इंडिया को याद रखना है, मैक्सिको, नाइजर, नॉर्वे, तुनीजिया, वियतनाम, सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडाइंस। यह है 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स जो कि इस टाइम पे है। इनकी टर्म कितनी होती है, 2 साल की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं इनकी टर्म कितनी, यानी कि 2 साल के लिए मेंबर रहते हैं, 2 साल के लिए, 2 साल के बाद दूसरी कंट्री को चुना जाता है। द सिक्योरिटी काउंसिल जनरली मीट्स इन ए डेजिग्नेटेड चैम्बर इन द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस बिल्डिंग। न्यूयॉर्क में है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस बिल्डिंग, जहाँ पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर मिलते हैं अगर कोई डिसीजन लेना होगा। जो चैम्बर, द चैम्बर वाज डिजाइंड बाय द नॉर्वेजियन आर्किटेक्ट अर्नेस्टीन आर्नबर्ग। अर्नेस्टीन आर्नबर्ग एक आर्किटेक्ट था नॉर्वे का, उसी ने ये यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस बिल्डिंग बना दी।
आर्किटेक्ट की, जहाँ पे सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग करती है। यह था गिफ्ट फ्रॉम नॉर्वे। ऑन 17 जैन 1946 सिक्योरिटी काउंसिल पहली बार, यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल की पहली मीटिंग कहाँ पे हुई है, वो हुई है चर्च हाउस वेस्टमिंस्टर इन लंदन। वेस्टमिंस्टर जगह है लंदन में, यूनाइटेड किंगडम। अब ये जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल होती है, इसकी प्रेसिडेंसी हर महीने चेंज होती है, यानी कि हर महीने एक एक कंट्री के पास इसकी प्रेसिडेंसी होती है। 2021 की प्रेसिडेंसी किसके पास है, तुनीजिया के पास जनवरी की प्रेसिडेंसी थी। फेब की प्रेसिडेंसी थी यूके के पास। यूनाइटेड स्टेट्स के पास मार्च की होगी, अप्रैल की होगी वियतनाम, मई की चाइना, जून के प्रेसिडेंसी किसके पास होगी, एस्टोनिया, जुलाई की फ्रांस के पास, अगस्त की याद रखनी है इंडिया, यही याद रखना है। जबकि इंडिया कब प्रेसिडेंट बनेगा इसका, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, अगस्त में, सितंबर आयरलैंड, अक्टूबर कीनिया, नवंबर मेक्सिको, दिसंबर नाइजर। तो ये आपको याद नहीं रखना है, सिर्फ इंडिया यहाँ पे याद रखना है, और जिस महीने में पेपर आएगा तो उस महीने का आप याद रख सकते हो। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, नाम से ही पता चलता है, इकोनॉमिक डिसीजंस और सोशल सोसाइटी से रिलेटेड जो भी कोई डिसीजंस होते हैं, तो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग द इकोनॉमिक एंड सोशल फील्ड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो भी यूनाइटेड नेशंस के सोशल एंड इकोनॉमिक चीज़ें होंगी, उससे रिलेटेड ये डिसीजंस लेती है। इसके कितने मेंबर्स हैं, इसके 54 मेंबर्स। ये हर साल इलेक्ट किए जाते हैं, कहाँ पे, जनरल असेंबली में। हर साल एक एक मेंबर है, जितने भी मेंबर चुने होंगे, तो फॉर एग्जांपल इस टाइम 54 मेंबर है। तो 3 साल की टर्म हर किसी के पास होती है। जब अगला साल आएगा तो किसी कंट्री की 3 साल की टर्म ख़त्म हो जाएगी, इसलिए दूसरे कंट्रीज को चुना जाता है। तो 54 मेंबर्स में से हर किसी मेंबर की टर्म कितनी होती है, 3 ईयर्स। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। नॉन परमानेंट मेंबर्स की टर्म कितनी होती है, 2 ईयर्स। ये हमने ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल इज इलेक्टेड फॉर 1 ईयर टर्म। यहाँ पे भी प्रेसिडेंट होता है, कहाँ पे, एक तो हमने जनरल असेंबली का प्रेसिडेंट देखा जो कि वोल्कन बोजकिर था, वोल्कन बोजकिर। यहाँ पे भी इकोसॉक का प्रेसिडेंट होता है 1 साल के लिए। इस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है, एम्बेसडर मुनीर अकरम ऑफ पाकिस्तान। मुनीर अकरम ऑफ पाकिस्तान प्रेसिडेंट है इकोसॉक का, जो 76th प्रेसिडेंट चुना गया है। 76th प्रेसिडेंट चुना गया है, कब, 23 जुलाई 2020। वेरी वेरी करंट अफेयर फैक्ट। इसने किसको सक्सीड किया, मोना जूल, जो कि नॉर्वे के थे। तो इससे पहले, मुनीर अकरम से पहले कौन थे, मोना जूल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इकोसॉक होल्ड्स 1 4-week सेशन, एक सेशन करते हैं 4 हफ्तों के लिए हर साल, कब, जुलाई में। सिंस 1998 हैज़ आल्सो हेल्ड एन एनुअल मीटिंग इन अप्रैल विद फिनांस मिनिस्टर्स हेडिंग की कमिटीज ऑफ वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। तो फिनांस मिनिस्टर्स के साथ भी एक मीटिंग हो जाती है, जो कि हेड करते हैं की कमिटीज ऑफ वर्ल्ड बैंक एंड IMF को। वो कब होती है, हर साल अप्रैल में। हमारे सिलेबस में है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का टारगेट रखा गया है बाई UNO 2030, यानी कि यहाँ तक ये अचीव होने चाहिए। तो इनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम कन्वीन की जाती है अंडर द ऑस्पाइसेस ऑफ काउंसिल एवरी ईयर। ये जो इकोसॉक है, इसी के अंडर एक मीटिंग कन्वीन की जाती है, हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम, किसके लिए, फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी सिलेबस में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर्टिकुलरली मेंशन है। अब करते हैं बात ट्रस्टीशिप काउंसिल की। ट्रस्टीशिप काउंसिल एस्टैब्लिश की गई थी 1945 में। इसका मकसद क्या था, टू प्रोवाइड इंटरनेशनल सुपरविजन फॉर 11 ट्रस्टेड टेरिटरीज। 11, जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म हो गया, उस टाइम पे, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद भी बहुत सारी ऐसी टेरिटरीज थी वहाँ पे, उस टाइम पे ज़्यादा क्या होती थी, कॉलोनीज। वो कॉलोनीज किन की ज़्यादा होती थी, ब्रिटिश, फ्रांस वगैरह, जर्मनी वगैरह, ब्रिटिश की, इंडिया भी इनकी कॉलोनी थी, अफ्रीका में इनकी कॉलोनी थी। तो उन कॉलोनीज में बहुत सारी टेरिटरीज ऐसी थी जहाँ पे कोई सरकार नहीं थी, यानी कि जहाँ पे लोग खुद सरकार नहीं बनाए, यानी कि उनको एडमिनिस्टर करना था। उसी एडमिनिस्ट्रेशन का काम किनको सौंपा गया, ट्रस्टीशिप काउंसिल को, ताकि उन
ट्रस्ट टेरिटरीज की एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात की जाए वो कितनी थी टोटल 11, 7 थी अफ्रीकन, 4 थी ओशिनिया। ओशिनिया कौन सा पार्ट है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अराउंड में जो पैसिफिक ओशन है उसी को ओशिनिया बोला जाता है। तो उन 11 ट्रस्ट टेरिटरीज को एडमिनिस्टर करने के लिए ट्रस्टीशिप काउंसिल बनाई गई थी। लेकिन फिर क्या हो गया, आहिस्ता आहिस्ता से हर किसी ट्रस्ट टेरिटरी में सेल्फ गवर्नमेंट या तो आने लगी या तो इंडिपेंडेंस उनको दी गई, तो फिर इस ट्रस्टीशिप काउंसिल की काम ही खत्म हो जाएगा। द लास्ट वाज पालो। पालो एक ट्रस्ट टेरिटरी थी जो कि किसकी पार्ट थी, ट्रस्ट टेरिटरी ऑफ द पैसिफिक आइलैंड्स विच बिकेम ए मेंबर स्टेट ऑफ यूनाइटेड नेशंस, जो कि 185th मेंबर स्टेट बन गई यूनाइटेड नेशन की। यानी कि वो फिर ये कैसे इन ट्रस्ट टेरिटरीज का क्या हो गया, या तो ये इंडिपेंडेंस इनको मिल जाती थी या तो ये नेबरिंग नेशन के साथ मिलके गवर्नमेंट बनाते थे, यानी कि उसी के साथ मिल जाते थे। तो इस तरह से पालो लास्ट ट्रस्ट टेरिटरी थी जो यूनाइटेड नेशन की मेंबर बन गई 185th इन दिसंबर 1994। जब अब कोई ट्रस्ट टेरिटरी ही नहीं रही तो इसका मतलब क्या हुआ, ट्रस्टीशिप काउंसिल की फंक्शन ही सस्पेंड हो जाएगी। इट्स सस्पेंडेड ऑपरेशन ऑन 1 नवंबर 1994। तो ट्रस्टीशिप काउंसिल की फंक्शन इस टाइम यानी कि ऑपरेशन की सस्पेंड है सिंस 1 नवंबर 1994। तो अब हम उन 11 ट्रस्ट टेरिटरीज की बात करते हैं, कौन कौन सी ट्रस्ट टेरिटरी थी। जैसे कि वेस्टर्न समोआ था जिनको एडमिनिस्टर करता था न्यूजीलैंड, ये फिर बन गई समोआ। क्या बन गया, समोआ। कब से, 1962 में इसको इंडिपेंडेंस दी गई और 1997 से इसको सिर्फ समोआ बोला गया। पहले इसको क्या बोला जाता था, ट्रस्ट टेरिटरी ऑफ वेस्टर्न समोआ। इसी तरह थी ट्रस्ट टेरिटरी ऑफ टंगानिका, ये इसको कौन एडमिनिस्टर कर रहा था, यूनाइटेड किंगडम। तो इसका क्या हो गया, ये जो टंगानिका था इसको इंडिपेंडेंस दी गई 1961 में। कब, ये याद नहीं रखना है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको 1961 में आज़ादी दी गई, फिर इसको ब्रिटिश प्रोटेक्टरेट एक हुआ करती थी उस टाइम पे जांजीबार, उसी के साथ इसको मिलाया गया। कब, 1961 में जांजीबार के साथ इसको मिलाया गया। और 1964 में क्या बन गया है, 1964 में ये बन गया तंजानिया। इस तरह से ये ट्रस्ट टेरिटरीज ख़त्म हो गई, यानी कि वहाँ पे या तो इनको इंडिपेंडेंस मिल गई या तो इन्होंने अपनी एक सरकार बना दी। तो जांजीबार के साथ मिला के ये क्या बन गया, तंजानिया। इसी तरह ये रुवांडा और बुरुंडी थी, ये बेल्जियम इनको एडमिनिस्टर कर रहा था, ये क्या बन गया, रुवांडा एंड बुरुंडी, जो कि अफ्रीकन कंट्रीज है, रुवांडा एंड बुरुंडी। इसी तरह था कैमरून अंडर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, कैमरून अंडर फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेशन, ये बन गया रिपब्लिक ऑफ कैमरून इन 1960। ये जो ब्रिटिश कैमरून था, ब्रिटिश के अंदर इसके दो पार्ट्स थे, नॉर्दर्न कैमरून एंड सदर्न कैमरून। ये जो नॉर्दर्न कैमरून था ये बन गया पार्ट ऑफ नाइजीरिया, ये किसका बन गया, पार्ट ऑफ नाइजीरिया। और ये जो सदर्न कैमरून था ये मिल गया इस रिपब्लिक ऑफ कैमरून के साथ। इसी तरह पापुआ एंड न्यू गिनी, आप लोगों ने सुना होगा, नई नेशन बन गई। इसी तरह टोगोलैंड, ये जो यूनाइटेड किंगडम के अंडर टोगोलैंड था ये बन गया, ये जो फ्रेंच के अंडर था ये बन गया टोगो। कब, 1960 में इसको इंडिपेंडेंस दी गई। ये जो ब्रिटिश के अंदर टोगो है इसको क्या हो गया, ये मर्ज हो गया गोल्ड कोस्ट के साथ, गोल्ड कोस्ट के साथ। ये गोल्ड कोस्ट क्या थी, ये थी कॉलोनी किसकी, ब्रिटिश एम्पायर की। और ये फिर बन जाता है गाना, ये फिर बन जाता है गाना। तो इस तरह से ट्रस्ट टेरिटरीज ख़त्म हो गई और इन्होंने अपनी सरकारें बना दी, यानी कि ये इंडिपेंडेंट नेशंस बन गए। अब करते हैं बात इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको वर्ल्ड कोर्ट भी कभी कभी बोला जाता है। तो जब कोर्ट होगा तो कोर्ट का काम क्या होता है, सेटल डिस्प्यूट्स, सेटल डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट्स, स्टेट्स मतलब यहाँ पे कंट्रीज, इन अकॉर्डेंस विद द इंटरनेशनल लॉ एंड गिव एडवाइजरी ओपिनियंस ऑन इंटरनेशनल लीगल इशूज़। जो इंटरनेशनल लीगल इशूज़ पे वहाँ उस पे के लिए एडवाइजरी ओपिनियन भी देती है, नॉट बाइंडिंग, बाइंडिंग होता है जो कि कंपलसरी होता है, एडवाइजरी मतलब एज ए नसीहत करता है। सक्सेसर ऑफ द, यानी कि क्या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से पहले भी कोई कोर्ट था जो कि लीग ऑफ नेशन ने बनाया था, वो था सक्सेसर ऑफ परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, सक्सेसर ऑफ परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस विच वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1925 लीग ऑफ नेशन। तो लीग ऑफ नेशन ने क्या बोला, बनाया था
परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस PCIJ, तो इस टाइम पे क्या चल रहा है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। द ICJ इज पैनल ऑफ 15 जजेस, तो यहाँ पे कितने जजेस होते हैं, 15, इलेक्टेड बाय जनरल असेंबली, तो इलेक्ट कौन ही करेगा, जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल, वेरी इंपॉर्टेंट। इससे पहले हमने प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा, तो उनको कौन, इकोसॉक के बारे में, उनको कौन इलेक्ट करता है, जनरल असेंबली, लेकिन यहाँ पे जजेस को कौन इलेक्ट करता है, जनरल असेंबली प्लस सिक्योरिटी काउंसिल। कितनी टर्म होती है, 9 ईयर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, 9 ईयर्स। ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसकी सीट कहाँ है, इनके हेडक्वार्टर कहाँ है, पीस पैलेस, वो कहाँ पे, हेग, हेग कहाँ पे, नेदरलैंड्स। इसका प्रेसिडेंट कौन है, जो 15 जज है इन्हीं में से एक को प्रेसिडेंट बनाया जाता है, जो कि डॉन ग्रू है, और वाइस प्रेसिडेंट कौन है, किरिल गेवोर्गियन, ये रशिया का है और ये USA का है। इंडिया का कोई जज है यहाँ पे, 15 जज जो इस टाइम पे हैं उनमें से इंडिया का भी एक जज है, जस्टिस दलवीर भंडारी, वॉज नॉमिनेटेड बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज इट इज ऑफिशियल कैंडिडेट इन जनवरी 2012, तो 2012 में इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नॉमिनेट किया था, तो लेकिन ये रिएलेक्ट किया गया फॉर सेकेंड टर्म ऑन 20 नवंबर 2017 में इन्हें दोबारा से इसको रिएलेक्ट किया गया, क्योंकि जिसके अपोजिट ये लड़ रहा था वो था UK का जज क्रिस्टोफर ग्रीनवुड, उसने क्या किया था, विड्रो हिज नॉमिनेशन, तो इसको सेकंड टर्म के लिए भी रिएलेक्ट किया गया। यहाँ पे आपको एक बात वेरी इंपॉर्टेंट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंडिया से एक जज है, जस्टिस दलवीर भंडारी, तो यहाँ पे एट प्रेजेंट इंडिया से एक ही पर्सन हो सकता है, दूसरा कोई इंडिया से जज नहीं बन सकता यहाँ पे, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एट अ टाइम एक ही नेशन से एक ही आ सकता है, तो जस्टिस दलवीर भंडारी यहाँ पे इंडिया से रिलेटेड है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये रहा, नेदरलैंड पीस पैलेस। तो होप आपको ये सेशन इंपॉर्टेंट लगा होगा, थैंक यू वेरी मच, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड शेयर द वीडियो, थैंक यू वेरी मच।